अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कराची टुडे। मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले नज़र डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। इलेक्शन 2018 और कराची का सियासी मुस्तकबिल, एम क्यू एम पी एस पी की हिकमत अमली क्या होगी, इमरान मुस्तफ़ा कमाल मुलाकात, क्या इलेक्शन में इत्तेहाद होगा, आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को नाकामी का सामना करना पड़ेगा, डॉक्टर फारूक सत्तार फौज तरक्याती काम कराए, मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा, पार्लियामेंट का तकद्दस ज़रूरी, सिंध असम्बली का अरकान इमरान खान और शेख रशीद के बयान पर बरहम, कौमी असम्बली में इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी मंजूर हुई है, जबकि शहर में क्राइम के पे दरपे वाक़ियात, इदारों के दरमियान रस्ता कशी जारी है, जराइम की रोकथाम कैसे मुमकिन है, इंतजामिया क्यों खामोश है, इस पर भी हम बात करेंगे, और सिंध हुकूमत एक बार फिर एडी ख्वाजा को हटाने में नाकाम, आई जी सिंध की तब्दीली कलदम करार दे दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने तकर्रियों और तबादलों का हक भी उन्हें हासिल होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शहर कायद कराची के सियासी मुस्तकबिल की, और स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं पाक सरजमीन पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं महमूद अब्दुल रजाक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। एम पी ए तो स्टिल आप अभी भी हैं जी, और एम क्यू एम की जानिब से हिस्सा लिया था आपने जी, एम क्यू एम ने टिकट दिया था, टिकट दिया था आपने, और वहाँ आप कामयाब हुए 116 से जीपीएस से जीपीएस, लेकिन इस्तीफा तो मेरे ख्याल नहीं दिया अभी तक आपने, ना देना चाहते हैं आप? इसलिए कि वोट मुझे आवाम ने दिया, अगर आवाम चाहेगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अच्छा, ये पैसा पता किस तरह चलेगा सर, आवाम चाह रही है नहीं चाह रही? देखिए, जब आवाम ने वोट दिया तो मैं कोई एक बंदा, इवन यहाँ तक के लंदन से भी कहा गया कि आप जाके इनसे इस्तीफा लें, कोई एक बंदा मेरे घर पर आता या मुझे कॉल करके कहता है कि आपको मैंने वोट दिया आप इस्तीफा दे दें, मैं दे देता। अच्छा, आपको क्योंकि किसी ने कहा नहीं? अच्छा, जब आपने पार्टी तब्दील कर ली, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वो तो बार बार कहते रहे हैं, टेलीविजन पर भी बारह प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की हैं कि जी जो हमसे छोड़कर चले गए हैं उन्हें चाहिए अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने तो कहा, तो सबसे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी हों, वो कहते हैं हम तो एम क्यू एम में शामिल है ना आज भी, अपने एम क्यू एम से जीता था, आप खुद कह रहे हैं एम क्यू एम के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया था। देखिए, माजी से लेकर आप जब से ये एम क्यू एम फॉर्म हुई तब से लेकर आज तक की तारीख उठा के देख लें, एम क्यू एम को वोट अल्ताफ हुसैन के कहने पर पड़ा। अल्ताफ हुसैन अगर कह रहे हैं कि वोट डालो, इनको मैंने इलेक्ट किए, तो वोट डलता था। महमूद अब्दुल रजाक साहब, ये अगर बात होती 114 में 18,000 वोट लिए एम क्यू एम पाकिस्तान ने, अल्ताफ हुसैन ने मना किया था, बाइकआउट किया था इलेक्शन का, उसके बावजूद भी वोट डाल रहे हैं लोग जी, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे? आप ये देखें ना, जमीनी इंतखाबात में 114 में डाले, पी एस 114 में अल्ताफ हुसैन के मना करने के बावजूद आवाम भी तो तब्दीली चाह रही है। जो इलाके एम क्यू एम के असल गढ़ थे, जनरल इलेक्शन में पीटीआई का वोट पड़ा, 2013 की बात कर रहा हूँ जी, 2013 की बात कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो फिर पीटीआई हार जाती है, एम क्यू एम फिर जीत जाती है। उसकी वजह ये कि पीटीआई ने डिलीवर करके नहीं दिखाया ना, अगर वहाँ तो एम क्यू एम ने क्या डिलीवर किया, क्यों जीत गए बलदियाती इंतखाबात? एम क्यू एम अभी तक क्लेम करती है 2005 से लेकर 2000। चले, अब तो फिर साफ सुथरे अल्फाज में बता दें आप कि एम क्यू एम को वोट लोग वाकई डालते थे, या जिस तरह कहा जाता है कि जी ले लेते हैं, वो दुरस्ती भी होती थी, धांधली भी होती है, सब कुछ होता है। NA 246 का इलेक्शन, उसमें तो टोटल मैं खुद मौजूद था वहाँ पर, लोगों ने वोट डाले, इतनी सख्ती थी कि बगैर किसी आईडी कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, ज़ईफ़ ख़वातीन भी आ रही थी तो उनको भी कार्ड देख के खाली मना कर देते थे, आपका वोट यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, इवन यहाँ तक कि वोटर लिस्ट में देखना गवारा नहीं करते थे, इसके बावजूद NA 246 से कुंवर नवीद जीते। इसका मतलब लोग आज भी दिल में रखते हैं, लेकिन वो कौमियत के ऊपर जा रहे हैं, लिसानियत के ऊपर जा रहे हैं। PSP जो है लिसानियत से और कौमियतों से बाला तरों के एक कौम बनने की बात करें, जिसको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने आज़ादी के वक्त जो है एक बात कही, पाकिस्तानी एक कौम है, आज तक बनने नहीं दिया गया। अच्छा, आपको क्या चीज़ ऐसी अच्छी नज़र आई जो आपने एम क्यू एम पाकिस्तान को छोड़कर सोचा कि नई जमात है और इसमें मैं जाऊँगा और लोग 116 के दोबारा मुझे कामयाब करेंगे, इलेक्शन में खड़ा हो जाऊँगा? मैं इस चक्कर में तो आया ही नहीं कि मैं दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा। तो किस चक्कर में है सर, ये बता मैं आज भी आवाम की खिदमत, देखिए हम लोग मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मेमन कम्युनिटी सोचा आवाम की खिदमत सियासी जमात ज्वाइन करके हो सकती है, कोई एनजीओ बना लेते हैं, खिदमत ही करनी है आपने तो। एनजीओ में देखें, फिर वही वाली बात आ जाती, चेक एंड बैलेंस आप कहाँ रखते,
2005 से लेकर 2010 तक का सिर्फ वो पीरियड है 5 साल का जिसमें मुस्तफ़ा कमाल भाई की निज़ामत के दौर में कराची में तरक्याती काम हुआ, उससे खुद इंस्पायर होकर मैंने एम के एम शमूलियत इख्तियार की। लेकिन उसके बाद फिर जब देख रहा हूँ कि वहाँ पर कॉलर फील्ड में तादाद है, आप कैसे किसी इंसान को पहचानेंगे कि भाई वो वाकई अमलन ये करना चाह रहा है या नहीं, उस पर अमल। ये बात आपकी दुरुस्त है कि एम के एम के पास आज भी अगर कारकर्दगी की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल के दौर के अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। 1988 से लेकर 2017 के दरमियान ये जो 4 साल का पीरियड आता है यही है जिसमें काम हुआ है जी। अच्छा, अब चूंकि अब इलेक्शन 2018 कहा जाता है इलेक्शन का साल है और आपने भी PSP इसलिए ज्वाइन की है कि आप चाहते हैं खिदमत भी करें जी, तो आपको लगता है कि कराची के शहरी वोट देंगे PSP को, किस वजूहात की बिना पर देंगे, सिर्फ इसलिए कि मुस्तफ़ा कमाल ने अच्छा काम किया था? देखिए, लीडर किसको माना जाता है? अगर मैं कुरान से साबित कर दूँ, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि और हमने तुम्हारे लिए नबी की सूरत में बेहतरीन नमूना हयात दिया, यानी कि जो खुद अमलन करके दिखाए और फिर उसको उसकी तालीम आगे दे। आज तक मुस्तफ़ा कमाल भाई ने जो बात कही वो पहले अमलन कर चुके हैं अपनी निज़ामत के दौर में। अगर कोई ये क्लेम करता है कि वो टीम वर्क का नतीजा थी, फिर टीम वर्क पिछले 1.5-2 साल से क्यों नहीं कर रही, 2015 से लेकर 2017? वो ये कहते हैं जनाब कि मुस्तफ़ा कमाल को 300 अरब रुपये दिए थे, उन्होंने लगा दिए, हमें भी 300 अरब दें, हम उससे बेहतर करके दिखा देंगे। जो इनके पास 5 अरब रुपए थे वो खा गए, उसका तो हिसाब किताब दिया नहीं। 300 अरब कहाँ और 5 अरब? एक साल में 5 अरब खाए ना, 4 साल में 20 अरब हो जाएंगे। जिस वक्त लेजिस्लेशन हो रही थी, कानून साजी हो रही थी सूबाई हुकूमत के अंदर, दूसरी तरमीम आई थी उसके ऊपर इन्होंने क्लेम कर लिया, कोर्ट में चले गया, पूरे कानून के ऊपर क्यों नहीं गया? आपने कभी ये पूछा क्यों MQM पूरे कानून के लिए उस वक्त कोर्ट में नहीं गई उसको रिजेक्ट कराने के लिए? आर्टिकल 140A के तहत नहीं पूरा होता था कानून। अच्छा ठीक है सर, इसी दोबारा भी आते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कल बड़ा अहम एहतजाज हुआ है लाहौर में, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी शरीक हुए, ज़ाहिर आपकी पार्टी को दावत थी वहाँ पर, और वहाँ सानी मॉडल टाउन के हवाले से, मासूम बच्ची जैनब के हवाले से ज़ाहिर इस्तीफे मांगे गए वज़ीर आला पंजाब से। आपकी पार्टी वहाँ तक गई है एहतजाज करने, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इससे बड़े बड़े सानहात कराची में होकर गुजरे हैं आपके सामने, उस पर भी कोई एहतजाज करने जा रहे हैं आप लोग? इस तरह की सब लोगों को बुलाकर APC बुलाएं और सब आम पार्टियाँ यहाँ भी एहतजाज करें, 12 मई के हवाले से वकला को जलाया उस हवाले से भी, 27 दिसंबर को पूरा सिंध जला दिया उस हवाले से भी? जो केस चल रहा है मामला अदालत में, वो तो कंट्रोवर्शियल हम नहीं कर सकते। सारी सानिया मॉडल टाउन भी अदालत में ही ना, सानिया मॉडल टाउन अदालत में, लेकिन गवर्नमेंट प्रेशर डाल रही है, फ्री एंड फेयर ट्रायल कराए नहीं करा रही ना सर? यहाँ आप लोग दबाव डाले ना हुकूमत पे कि पता चले वो जिम्मेदार कौन है, 250 अफराद बल्दिया फैक्ट्री में जले थे, पता तो चले आज तक कौन है? आप लोगों के दर्द नहीं है ना, दर्द आप लोगों को भी, तो फिर क्यों नहीं क्लेम करते? हमें आज भी दर्द है, हम क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि पहले आप फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। सर हुकूमत पे दबाव कैसे डालेंगे? महमूद अब्दुल रजाक साहब, आप बाहर निकलेंगे, आप लोग आपके साथ हैं, आपसे अगर मोहब्बत करते हैं साथ आएंगे और कॉज बहुत अच्छा होगा आपका, यकीनन साथ खड़े होंगे। यही चीज़ आवाम में शऊर और आ गई, आहिस्ता आहिस्ता बेदार होगी तो ना। आज तक आवाम जो है कभी अपने पानी के मसले के लिए नहीं निकली, जब मुस्तफ़ा कमाल भाई ने और अनीस कैम्फानी भाई ने शाहरा फैसल पर धरना दिया था, उसके लिए तो पब्लिक इतनी बाहर नहीं आई। अच्छा, मान रहे हैं कि नाकाम हुआ वो धरना? हाँ मैं मानता हूँ। चलिए शुक्र है, तस्लीम कर लिया, वरना वो तो कहते हैं मिलियन मार्च था और मिलियन लोग मौजूद थे। देखिए हर पार्टी क्लेम करती है, लेकिन जितना आप सच बोल रहे हैं जलसा भी तो देखें, सियासी हवाले से बड़ा नुकसान देगा आपको। जो देखें लैपटॉप के जलसे में कामयाब जलसा था, इसमें दो राय नहीं है सर, लेकिन मिलियन मार्च में आपने खुद जो तस्लीम किया। अच्छा फिर भी चले, मैं छोटा सा ब्रेक ले लूँ, लेकिन उसके बाद बात हम ये भी करें, कराची के लोगों को बेघर और बेरोजगार जो हो रहे हैं ये किसका कसूर है, यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे काम क्यों नहीं कर रहे, ये वाकई उनकी बात ये सही है कि हमारे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है और इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसमें PSP क्या किरदार अदा कर सकती है, यहाँ के लोगों के साथ मिलकर क्या एहतजाज करेंगे या कुछ और मुतालबा है इनका, इस पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कहीं मिल जाएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, खुश आमदीद, और बात कर रहे थे कि जनाब कराची के लोगों को बेघर और बेरोज़गार करने का सिलसिला बंद होना चाहिए, सब ये कहते हैं, लेकिन कौन कर रहा है? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं जी हुकूमत वक्त कर रही है, तो वो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं आवाम के, वो क्यों आवाम से दुश्मनी चाहेंगे? जबकि अगर हम बात करते हैं MQM पाकिस्तान की, वो कहते हैं जी हम भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, हम तो खुद एहतजाज कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए, कचरा उठे, सेवरेज का निज़ाम बेहतर हो। असल हकीकत क्या है? महमूद अब्दुल रज़ाक साहब,
अब तो रहे उस तरफ भी। अच्छा, ये एक तरह से बेहतर बात भी है कि आपने दोनों तरफ देख लिया। जी बिल्कुल। तो उस तरफ क्या सूरत हाल है, कि हम पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कि वाकई करना चाहते थे जैसे 16 सफाई मुहिम शुरू की थी, और आप हम तो 12 कह चुके हैं कि ये नाकाम हुई। फारुस्तार साहब भी आए थे, हमने ये कहा, उन्होंने कहा नहीं जी बहुत अच्छा काम हुआ था। अगर बहुत अच्छा काम हुआ था तो कराची का कम से कम 25% कचरा तो उड़ जाना चाहिए था उस वक्त, 25%। अच्छा, करना नहीं चाहते थे आप, थे ना तो मौजूद वहाँ। जी जी बिल्कुल, विलिंगली नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ फोटो सेशन होता था। फोटो सेशन होता था, इस पर शामिल कर लेते हैं डॉक्टर महफूज यार खान साहब भी मौजूद हैं, इनके पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। महफूज यार खान साहब, मसाइल बहुत ज़्यादा कराची में और वसाइल नस्बतन कम है, काम हो नहीं रहा। 16 सफाई मुहिम भी आप लोगों की नाकाम हुई, जिस पर बहुत सारे लोगों ने भी कहा, और PSP के महमूद अब्दुल रजाक साहब भी मौजूद हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि करना ही नहीं चाहते थे, वरना बहुत कुछ हो सकता था। देखिए मसला ये है कि ये कचरा, पानी, ड्रेनेज, इसके लिए अगर पूरे पाकिस्तान का ही बजट लगा दिया जाए तो शहर कराची के मसाइल हल नहीं होंगे। सर, मुस्तफा कमाल के दौर में किस तरह हो गए थे? मुस्तफा कमाल साहब के दौर में ये मसला नहीं था यहाँ कराची में कचरे का सर्विस का। फंड दिए थे परवेज मुशर्रफ ने, फंड कितने दिए थे वो भी तो जरा सा देख लें। सर, 300 अरब रुपए कहा जाता है, जिनका जिनका ऑडिट ही नहीं हुआ वो भी तो देख लीजिए। तो आप ये कह रहे हैं इस डिस्प्यूट पर नहीं पढ़ना चाहता, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ आप। जी जी। देखिए, एक फिलंथ्रोपिस्ट ने कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ एक जॉइंट वेंचर किया, बहरिया ने जी, और उसमें उन्होंने हमारे साथ अपनी गाड़ियां लगाकर खासा शहर का कचरा साफ किया, जिससे ये उम्मीद हो चली थी कि ये और ज्यादा बेहतर होगा। तो अभी चूंकि मुझे सही सूरत हाल नहीं पता है कि ये एक महीने के लिए आए थे या अहबाब, तो अब वो क्या वसीम अख्तर भाई से इनका कोई और दूसरा कोई अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई है? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे पास जो लोगों ने जो गाड़ियां प्रोवाइड की हैं, जो KMC की जो गाड़ियां हैं, वो जो डिस्ट्रिक्टों में गाड़ियां चल रही हैं वो अपने अपना काम करें। और हमारे यहाँ काम होता नजर नहीं आ रहा, यही तो बहस है महफूज यार खान साहब। काम नहीं होता नजर आ रहा है सर। आप चलिए कल परसों सैटरडे चलिए आप मेरे साथ बल्दिया अपना ये औरंगी। सर, कोई एक यूनियन मुझे बता दें जहां आप लोगों ने मॉडल के तौर पर पेश कर सकें कि ये देखिए जी ये काम किया हमने। मैं तो ये कहता हूं कि ये मॉडल छोड़ने की कहानियां तो खत्म हो गई हैं। आपने 1958 में पड़ी हुई पाइपलाइन सड़ चुकी है, हर इलाके में आपको सीवरेज की लाइनें चेंज करनी है। लियाकताबाद में मैंने अपने हल्के के लिए 106 के लिए पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और वहां पर थोड़ा डिले हो गया है, वरना अब तक वहां पाइपलाइन पड़ चुकी। सर, आपके इलाके में डिले नहीं हुआ, 4.5 साल हो गए आपके लोगों को बैठे हुए, काम हुआ कहां पर? मैं अब्दुल रजाक साहब, अब होगा क्या? 4.5 साल इस असम्बली को हो गए, सिंध असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, और उसके बावजूद मसाइल हल नहीं हो सके। मसाइल तो देखिए उस वक्त हल होंगे जब कोई हल करना चाहेगा। कानून साज़ सारा मलबा हम डाल दें फिर हुकूमत पे, आप भी ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत का ही सब कुछ है। हुकूमत की बात नहीं कर रहे, नुमाइंदे थे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं अपने अपने इलाके से, वो कानून साज असेंबली के मेंबर हैं। क्यों असेंबली में जाकर ऐसी कानून साजी नहीं करते कि यहाँ के हालात बेहतर हो सके? 18वीं तरमीम के ऊपर जब फेडरल से फंड ट्रांसफर होकर सूबे को मिल रहा है तो क्यों इसके आगे बात नहीं हो रही? सूबे से फंड ट्रांसफर होकर क्यों लोकल गवर्नमेंट को नहीं दिया जा रहा? क्यों ये इनकी वहाँ पर बात नहीं कर रही? और वहाँ पर बात हम करने की कोशिश भी करें तो हमें मना कर दिया जाता था। मना कर दिया जाता था जी, अभी नहीं, ऐसे बात नहीं करें, इस तरीके से बात करें। सामने सच्चाई तो लेकर आए ना, जिस तरह महमूद अब्दुल रजाक साहब बोल रहे हैं कि ये तो ड्यूल स्टैंडर्ड रख लिया आपने, वहां कुछ बात करते हैं बाहर कुछ। ये मेरे भाइयों की तरह है, अब मुझे ये नहीं पता सर, ये भाइयों की तरह है या आवाम भी आपके बच्चों की तरह है? इनकी खिदमत करने के लिए वोट दिए इन्होंने आपको। तो सुन ले, ये जो है इनके जो प्रॉब्लम होंगे, मुझे ये पता है कि इनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, इनको अंडर प्रेशर लाया गया और जो लोग अंडर प्रेशर रहे आज उनसे जो दिल चाहिए कहलवा दें। सामने बैठे हुए वो खुद कह रहे हैं कि मुझे पर कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। और मैं अब ये चूंकि मैं ये मेरे भाइयों की तरह है और मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहता हूँ,
سر اس پہ نہ بات کریں, آپ صرف یہ بتا دیں کہ اب اسمبلیاں مدت پوری کرنے لگی ہیں, آنے والے 2018 کے الیکشن میں کارکردگی کیا لے کر جائیں گے آپ ووٹ مانگنے کے لیے عوام کے پاس؟ بھائی کم سے کم ہم پارلیمنٹ کو گالی تو نہیں دے رہے ہیں, یہ تو آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں. سر یہ تو اس سے زیادہ جرم ہو گیا کہ 4.5 سال خاموش بیٹھے رہے ہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا, ہم نے گالی بھی نہیں دی. ظلم کا ظالم کا اپنا بھی تو ظلم میں شمار ہوتا ہے سر. ظالم کا صحیح کہہ رہے ہیں محمود عبدالرزاق صاحب کہ ظالم کا اپنے ہاتھ ہی نہیں روکا, وہ ظلم کرتے رہے, آپ خاموش بیٹھے رہے. بھائی جو بوریاں سیتے رہے وہ بتائے نا, جو بوریاں بانٹتے رہے. ہم تو آئے ہیں تو اس جماعت سے قتل و غارت گری ختم ہو چکی تھی, پڑھے لکھوں کی جماعت تھی, دہشت گرد جو ہے ادھر ادھر گھوم رہے. ایسا ہوتا تو یہ لوگ کیوں چھوڑ کر جاتے, یہ پڑھے لکھے شریف لوگ ہیں کراچی کے رہنے والے ہیں. یہ تو بےچارے حالات آنے والے بتائیں گے یہ کیوں چھوڑ کر گئے, کیونکہ یہ میں اس بحث میں ابھی پڑھنا نہیں چاہتا ہوں, کیونکہ بعض جگہ میں یہ چونکہ میرے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہے. اچھا چلیں یہ بتا دیں سر, یہ بحث میں آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے, سمجھ رہے ہیں ہم اس بات کو. جن لوگوں کے نام مختلف ایف آئی آر میں تھے, یہ سر یہ وہ بات بھی ختم ہو گئی, بہت سارے ان کے نام ہیں جن کی پارٹی میں موجود ہیں جن کا کوئی کیس نہیں تھا. بڑی مثال یہ بیٹھے میں محمود عبدالرزاق صاحب, کہیں نام نہیں تھا الحمدللہ. اچھا محمود عبدالرزاق صاحب یہ تو چلیں ایک وہ بات ہوگی, پوائنٹ اسکورنگ والی بات ہم نہیں کر رہے. مصطفیٰ کمال صاحب نے مطالبہ کیا کہ جی چونکہ حکومت وقت کام نہیں کر رہی, میئر کراچی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہیں, وسائل نہیں ہیں, اب فوج یہاں ترقیاتی کام کرائے. یہ بات انہوں نے کی جلسے میں, تو اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کیا آمریت چاہ رہے ہیں دوبارہ نافذ ہو جائے یہاں؟ آمریت کی بات نہیں ہے, ڈیموکریسی بیسکلی ہے کس کے لیے؟ کیا قانون سازی کرنے سے عوام کی حالت بہتر ہو جائیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر قانون ساز اسمبلی کے ممبر تو میں بھی ہوں لیکن اس حالات بہتر نہیں کر پا رہا. ہاں اچھا پھر آپ اگر جیت کے آ جاتے ہیں دوبارہ 2018 کے انتخابات, پی ایس پی جیت کے آ جاتی ہے, آپ عددی برتری پھر بھی اگر پیپلز پارٹی کو حاصل ہوئی تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں کم از کم میں قانون ساز اسمبلی کے ممبر ہونے کی حیثیت سے کوئی ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش تو کروں گا, جس طریقے سے فائنینس بل آتا ہے سر, بجٹ آتا ہے, عددی برتری پھر پی پی کو حاصل ہوگی اگر, اور آپ کے پاس بھی یہ 50 سیٹیں ہوں گی تو کیا ہو سکتا ہے؟ استعفا دے کے باہر آ جائیں گے یا کچھ نہیں ہو سکا تو؟ باہر آ جائیں گے, تنخواہ لیتے رہیں گے اور حقوق لیتے رہیں گے, اکاؤنٹ جمع کراتے رہیں گے. محفوظ بھائی آپ کے قول و فعل میں تضاد ہوگا تو آپ پر کون یقین کرے گا؟ محفوظ بھائی مجھے استعفی دینے میں کوئی تعامل نہیں ہے, اگر میرے حلقے کی عوام مجھ سے ایک دفعہ بھی کہہ دے میں استعفی ابھی فلفور دے دیتا ہوں. اور جہاں تک رہی تنخواہ کی بات, تو میرے بھائی میں ہر مہینے اس سے زیادہ خرچ کر دیا کرتا تھا جب میں ایم کیو ایم میں تھا. 70,250 روپے کا حساب آپ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں, میں میمن ہوں, ایک ایک روپے کا حساب رکھتا ہوں. محفوظ بھائی آپ میرے محترم بزرگ ہیں, قانون دان ہیں, میں آپ سے اس معاملے میں نہیں کرنا چاہتا, برائے عذرہ کرم نہ چھیڑے اس معاملے کو. خزانے کے ساتھ استعفی دینے کے بعد ہمارا ایم پی اے, ہمارا ایم این اے, ہمارا سینیٹر. اچھا یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں, بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایم پی ایم ہے کس کی جماعت, پہلے یہ بتا دیجئے محفوظ یار خان صاحب, محترم جناب, آپ تو یہ آپ لوگ تو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان میں ایم پی ایم جو ہے فاروق ستار صاحب کے نام رجسٹر تھی تو ان کی ہو گئی, لیکن معذرت کے ساتھ پہلا مینیفیسٹو آپ لے کر آئیے, پہلا آپ آئینے ایم کیو ایم لے کر آئیے, پھر اس میں دیکھ کر بتائیے کیا بات لکھی ہوئی تھی اس کے اندر. ایم کیو ایم پاکستان کا سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار ہے, یہ آپ نے بعد میں ترمیم کر کے بنایا, اس سے پہلے یہ ذکر نہیں تھا, صرف ڈاکٹر فاروق ستار ڈپٹی کنوینئر تھے. رات وہ گئے ہیں رینجر کے ساتھ, صبح آئے تو سربراہ بنے ہوئے تھے, یہ حقیقت ہے. 22 اور 23 اگست کے درمیانی شب کو جس وقت ان کو گرفتار کیا گیا اس وقت یہ گدار وطن تھے, پھر صبح یکایک یہ وفادار وطن کیسے ہو گئے, یہ اس کا جواب دے دیجیے. آپ بھی تو وطن کے جیالوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں. الحمدللہ میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں جنہوں نے تعمیر اور ترقی کر کے دکھا دی اس پاکستان کے شہر کے اندر, جو سازشیں کر کر اس ملک کے اقتدار میں. اچھا سر جاتے جاتے میں چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے, محمود عبدالرزاق صاحب آپ سے یہ اس بحث کے بجائے سے یہ جو بار بار ایک الزام لگ رہا ہے اس کا جواب دیتے جائیے کہ جی جتنے بھی لوگ تھے جو ان کے پاکستان سے آئے ہیں پی ایس پی میں, جو ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے یا قومی اسمبلی کے, انہوں نے ترقیاتی فنڈ بھی لیے ہیں, تنخواہیں بھی لی ہیں, اس کے باوجود ان ترقیاتی فنڈ کو اپنے علاقوں میں استعمال نہیں کیا. 2013 وہ آخری سال تھا جب ایم پی اے پرائیورٹی فنڈ
अलॉट हुआ, उसके बाद मिला ही नहीं। उसके बाद एमपी प्रायोरिटी फंड रहा ही नहीं, कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क के नाम से आता था जिसका जिम्मेदार जो डीसी होता है इलाके का, वो डीसी साहब को जाके पूछे अगर हमारे हेल्थ के पैसे मिले तो। सर आखिरी सवाल, 2018 के इलेक्शन क्या तवक्कात हैं आपको अपनी पार्टी के हवाले से कि लोग सुनेंगे दोबारा अच्छे रिजल्ट आ रहा है सामने से? देखिए रिजल्ट तो आपको आवाम की तादाद ही बता रही है, लखताबाद जलसे में आवाम की शमूलियत, आवाम का आना, वहाँ पर कहीं ऐसा नहीं था कि किसी को ये नहीं कहा जा रहा था कि भैया आप रुक जाए भाई तकरीर करने, ऐसी कोई बात नहीं थी। जिसको आना है आए, जिसने बैठना है बैठे, जिसने जाना है चले जाए, वो बात तो थी ही नहीं कि पाबंद करके बैठा दिया एक खुली फजा में पाबंद। इसी सीट से अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी अपनी कम्युनिटी यहाँ से आपको वोट देगी, एतमाद है आपको पूरा? देखिए मेरी कम्युनिटी जिस तरीके से मैं एक काम करने वाले के पीछे आया हूँ, मुझे भी ये पूरा एतमाद है कि मेरी कम्युनिटी भी काम करने वाले के पीछे ही वोट देगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं हूँ अब्दुल रज़ाक, पीएसपी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे सारा के हवाले से। यहाँ छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे शहर कायद में क्राइम के पेदर पे वाकयात हो रहे हैं, जबकि इदारों के दरमियान रस्सा कशी जारी है। एडी ख्वाजा के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने कलदम करार दे दी उनकी तब्दीली, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मिट जाएगा हमारे साथ तेज। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। पार्लियामेंट के तकद्दस की बात हो रही है कि पार्लियामेंट का तकद्दस ज़रूरी है, जबकि सिंध असम्बली के अरकान इमरान और शेख रशीद की बयान पर बरहम दिखाई दी, इस तरह जिस तरह कौमी असम्बली में भी मजम्मत की गई इस हवाले से कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था इमरान खान और शेख रशीद साहब ने लानत का पार्लियामेंट पर, मतलब क्या था उसका, कहना क्या चाहते थे? क्योंकि खुर्रम शेरजमान साहब ने कहा कि इमरान खान के कहने का मतलब कुछ और था, जबकि हम भी जमहूरियत पसंद हैं और ये नहीं चाहते, क्योंकि 2018 में अगर इलेक्शन होते हैं तो हम लोग भी हिस्सा उसमें यकीनन पीटीआई भी हिस्सा लेगी, तो फिर इसका क्या मतलब था? क्योंकि यह जज्बात में लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया, लेकिन जिस तरह इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी ये तो बहुत छोटा लफ्ज़ था जो मैंने इस्तेमाल किया, इससे भी बड़ा लफ्ज़ था मेरे जहन में जो कि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, इस पर हम बात करें कि पार्लियामेंट का क्या तकद्दस मजरू वाकई हुआ इस पर, या जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया वो जज्बात जो इस वक्त मुल्क के मामला चल रहे हैं, जो इतने सारे मसाइल सामने हैं उनको देखते हुए एक जज्बात का जज्बात अंदाज में इजहार हुआ है, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं एमपीए खुर्रम शेर जमान साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शेर जमान साहब। जी वालेकुम सलाम। खुर्रम शेर जमान साहब, ये बड़े ज़ेर बहस हो गया है मौजू आज कि इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने जिस किस्म के बयान दिए कल, जो तकरीर की थी उसमें एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया लानत का, आपने आज असम्बली में भी कहा कि जी इसका मतलब वो नहीं था और हम भी जमहूरियत पसंद हैं, तो क्या मतलब क्या था इसका, इससे आपने समझते कि? अच्छा देखिए थोड़ा सा ना कुछ थोड़ी सी बातों को समझने की जरूरत है। अच्छा देखिए पार्लियामेंट का मकसद क्या है, सवाल सबसे पहला ये है, पार्लियामेंट का मकसद ये है, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कानून साजी की जाए, पार्लियामेंट वो जगह है जहाँ पे मुल्क के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए, पार्लियामेंट वो जगह नहीं है जहाँ पे एक ऐसा शख्स हो कि जो कि चोर है, जिसने अरबों रुपए की जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसको 5 जजेस के पैनल ने ये कह दिया कि ना तो तुम सादिक हो ना तो अमीन हो, और उसके साथ साथ उसको ना अहल करार दे दिया जिंदगी भर के लिए, एक ऐसा शख्स जिसने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर झूठ बोला। अब पार्लियामेंट क्या ऐसी जगह है कि जहाँ पे उस शख्स को कानून पास किया जाए कि वो अपनी पार्टी का हेड बन जाए, क्या पार्लियामेंट वो जगह है कि जहाँ पर खत्म नबूवत की शिक के अंदर जो है तरमीम की जाए, तो फिर ऐसे पार्लियामेंट को क्या कहेंगे आप मुझे बताएं? तो उस पार्लियामेंट को फिर जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया लानत का वो इस्तेमाल करना चाहिए सबको? एक बिल्डिंग है ना, एक बिल्डिंग है, एक ये इमारत है ये, लेकिन इस इमारत के अंदर जो लोग बैठते हैं उनका किरदार क्या है, वो लोग वहां पर बैठ के क्या मुल्क का पैसा सही तरीके से खर्च कर रहे हैं या उसको लूट रहे हैं? देखिए पार्लियामेंट में, लेकिन खुर्रम शेर जमान साहब पार्लियामेंट में बहुत सारे मौलाना और मुफ्ती भी बैठे हुए हैं, अच्छे किरदार के मालिक लोग भी वहाँ हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ उसका, देखें मैं आपको उसका जवाब देता हूँ, इमरान खान साहब ने जो बोला है लानत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो पूरे पार्लियामेंट में उन सारी पार्टी के खिलाफ या उन सारे लोगों के खिलाफ नहीं किया, उन्होंने उन लोगों के लिए कहा है कि जिन लोगों ने उस बिल को सपोर्ट किया, एक ऐसे शख्स के लिए बिल को सपोर्ट किया कि जिसको पूरे पाकिस्तान की अदलिया ने उसको जना, ये आपकी तशरीह है खुर्रम शेर जमान साहब? जी जाहिर है बिल्कुल, ये एक ऑब्वियस चीज ना कि हर कहे हुए स्टेटमेंट के ऊपर जो ना एक
इंसान जब तजिया करता है और समझता है कि वो किसको कहा गया है। अच्छा अब क्या होगा तो कुछ कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता खुर्रम शेजवान साहब, अब ये ऐसी पार्लियामेंट आपकी बात अगर दुरुस्त मान ली जाए, ऐसे लोग मौजूद हैं, नहीं करना चाहिए था, जो कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस पार्लियामेंट ये किरदार फाल अदा नहीं कर सकी, तो जिस तरह शेख रशीद साहब ने इस्तीफा दिया तो आप लोग के भी सारे मेंबरान जो इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं या दे देंगे अनकरीब? बिल्कुल मुनासिब वक्त पर बहुत जल्द आप देखेंगे इस्तीफा आएंगे, और अब जब इस्तीफा आएंगे तो उसके बाद ये बैठ नहीं सकेंगे, इनकी हुकूमत भी गिरेगी, क्योंकि इस्तीफा 5-6 महीने रह गए हैं, इससे पहले आ जाएंगे या? मैंने आपसे कहा ना कि अब इस्तीफे जब आएंगे तो तमाम असेंबलियों के आएंगे, सिर्फ केपीके के नहीं आएंगे। अच्छा ठीक, इसके अलावा अब कराची में हम बात कर लें, कराची में पे दर पे जो क्राइम के वाकयात हो रहे हैं और इदारों के दरमियान रस्ता कशी भी जारी है, आपको क्या लगता है कि ये सिंध हुकूमत की मुसलसल नाहली है, इसके बाद 2018 का इलेक्शन होता है तो ऐसे में लगता है आपको दोबारा मुंतखब होकर आ जाएंगे यही लोग? नहीं सर, अल्लाह ना करें ऐसे लफ्ज आप इस्तेमाल भी ना करें, ये तो ऐसी आपकी बात सुनकर भी कोई इंसान जो है ना तौबा करेगा कि जिस हुकूमत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सत्यानाश इस सूबे का किया है, चाहे वो कराची हो चाहे वो लड़काना हो, वो हाल हमने अपनी आंखों से देखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट कहती है कि सूबे सिंध के अंदर 70% पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है, उसमें उजला शामिल है। और मैं तो कहूँगा अगर फतवा मांग लेना मौलवियों से तो मौलवी साहब जो ना फतवा दे देंगे कि इस पानी से वजू भी नहीं कर सकते। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, लेकिन मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि गुज़िश्ता 30 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसरकदार रही इस सूबे में और उसके बावजूद भी काम तो नहीं किए, लेकिन फिर भी बरसरकदार वही हो जाते हैं, दोबारा वोट भुट्टो के नाम पे नहीं पड़ता है। बहुत फर्क है, जो रोल मीडिया ने प्ले किया है, जो रोल आप चैनल्स ने प्ले किया, जो आप सहाफियों ने रोल प्ले किया इस 5 साल के अंदर, वो आज से पहले हमने नहीं देखा था। ये बहुत बड़ा जो ना इस वक्त मैं आपको बताऊँ ना कि ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए, इनको मीडिया ने एक्सपोज कर दिया है। घर में देखें जब बच्चे मर रहे थे तो वजीर आलम ने कहा कि ये गुर्बत से मर रहे हैं, अब स्कूलों की हालत देखिए आप क्या है, अस्पतालों की हालत देखिए क्या है, ये तो बिल्कुल एक्सपोज हो गए। मैं आपको बताऊं कि मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि खुदा रहा उन लोगों को वापस ना आजमाएं जिनको एक दफा आजमा चुके हैं। अब ये तब्दीली का साल है, 2018 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ वफाक में भी हुकूमत बनाएगी, इमरान खान को इंशाल्लाह वजीर आजम बनाएंगे और उसके साथ साथ सूबे सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। आपकी ठीक है, आपकी ख्वाहिश भी है, अगर ऐसा होता है 2013 के इलेक्शन में ज़ाहिर है कराची जैसे शहर में भी आपको 8.5-9 लाख वोट पड़े थे, लेकिन उसके बाद फौरी बाद अगर बलदियाती इंतखाबात होते हैं तो वहाँ पीटीआई बहुत पीछे रह जाती है, वोट नहीं पड़ा फिर आपको? अच्छा देखिए बलदियाती इंतखाबात के बारे में मैं आपको वाजे करता हूँ, मुझे आप बताएं कि केपीके के अंदर पीटीआई क्यों जीती, पंजाब के अंदर पीएमएलएन क्यों जीती, सूबे सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी क्यों जीती, उसकी देखें वजह यह है कि आवाम कोशिश करती है उस हुकूमत को। कराची में पीपी नहीं जीती, एमक्यूएम जीती है, एमकेएम से बहुत वापसी की थी ना लोगों के, एमकेएम को तो आखिरी बार आजमा लिया, एमकेएम ने तो कहा था कि वोट मेयर जो है वो अपना होना चाहिए, आप देखेंगे ये भी परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि पिछले दौर के अंदर एक टाइम पे मेयर जिनका होता था इन्होंने काम किया था, तो अब लोगों ने उसको भी देखिए कि ये नहीं हो सकता है। तो बलदियाती इलेक्शन हो गए और बाई इलेक्शन हो गए उसका कंपेरिजन कभी भी जनरल इलेक्शन नहीं किया जा सकता है। अच्छा ये खुर्रम शेजवान साहब ये क्या बात दुरुस्त नहीं है, बार बार एक ही बात मेयर कराची की जानिब सामने आती है कि जी मेरे पास इख्तियारात और वसाइल नहीं है, काम किस तरह करूँ, मेरे तो हाथ बंधे में। सर उसके साथ साथ एक बात और भी कहते हैं ना वसीम अख्तर साहब, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर चाहते हो कि मैं काम करूं, कराची का हवलिया ठीक करूं, कराची की जो है रौनकें बहाल हों, कराची की सड़कें धुलें, पानी के मसाइल हल हों, तो मुझे वो इख्तियार दिए जाएं जो केपीके के अंदर मेयर के पास इख्तियार है, अगर वो मुझे इख्तियार मिलेंगे तो मैं कराची को ठीक कर सकता हूँ। इसी तरीके से आईजी ईडी ख्वाजा कहते हैं कि अगर चाहते हो किसी ने पुलिस ठीक हो तो मुझे वो इख्तियार दिए जाएं, मुझे वो लॉ दिया जाए जो केपीके के अंदर है, तो हम नवा इसका मतलब है खुर्रम शेजवान साहब के उनका मुतालबा दुरुस्त है और पीटीआई साथ खड़ी है इस बात पर मेयर साहब के साथ। मेयर बिल्कुल मेयर के साथ खड़े, मेयर के साथ नाइंसाफी है, उस पर इख्तियार नहीं, वो क्या करेगा ना, तो कराची वाटर सप्लाई बोर्ड मेयर के पास है ना सफाई सुथराई का निजाम, मतलब गटर खोलने की जो जिम्मेदारी है वो भी चीफ मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और रोड पर झाड़ू मारने का जिम्मेदार भी इसका चेयरमैन जो चीफ मिनिस्टर है। अब मुझे पता है दुनिया में कहीं पर ऐसा होता है क्या? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेजवान, पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ मौत कर रहे थे पार्लियामेंट के तकद्दस के हवाले से जो अल्फाज इस्तेमाल किए इमरान खान साहब ने और शेख रशीद साहब ने, उनका ये मतलब नहीं था पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल से हरगज नहीं हुआ, वो कुछ और कहना चाह रहे थे, हम खुद जमहूरियत पसंद। थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे क्राइम के हवाले से भी और आई जी सिंध की तब्दीली के हवाले से बहुत अहम गुफ्तगू होगी क्योंकि एक कालाअज़म करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को और बार बार गुज़िश्ता 3 साल से हम देख रहे हैं कि आई जी सिंध की तब्दीली चाहती है सिंध हुकूमत लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। और अगर बात की जाए क्राइम के हवाले से रेट क्यों ऊपर जा रहा है तो वो कहते हैं जी हमारे बस में नहीं है आई जी,
इसलिए ये रेड ऊपर जा रहा है। वो आईडी से पूछें अगर क्राइम के हवाले से आपने बात करनी है। इस पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद। कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात कर रहे हैं हम शहर कायद में क्राइम के पेदर पे वाक़ात के अलावा, हम बात ये भी कर रहे हैं कि आई जी सिंह की तब्दीली का अलम करार दी गई है। तकर्रियों तबादलों का भी उन्हें हक हासिल होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और गुलाब मेहदा जमाल की बदतरफी के बाद मार्च 2016 में आई जी के अहदे पर ये तैनात हुए थे। तहम कहा जाता है मखसूस मुतालबात को मानने से इनकार के बायस ए डी ख्वाजा सिंह हुक्मरान जमात की हमायत खोते गए। कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के इसमें नाम आए, अनवर मजीद का नाम भी आया कि उनकी बहुत सारी बातें उन्होंने तस्लीम नहीं की, बहुत करीबी हैं आसिफ अलजरदारी साहब के, इस तरह की बहुत सारी बातें इनके बारे में कहा जाता है। उसके बाद से फिर इनके दरमियान फासले बढ़ते गए और अब कहा जाता है इतने फासले हो गए हैं कि वो नहीं देखना चाहते उस अहदे पर और बारहा रिक्वेस्ट कर चुके हैं वफाक को। अब ये मामला चला गया था अदालत में और आज सुप्रीम कोर्ट ने कल अदम करार दिया और उन्होंने कहा कि जी वहाँ सिंध में वो रहें और खदमात अंजाम दें, उनकी वजह से वहाँ बेहतर काम हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि शहर कायद में क्राइम के हवाले से कि पैदर पे वाकयात मुसलसल हो रहे हैं, एडी ख्वाजा साहब के दौर में अगर हम देख लें छुरा मार नहीं पकड़ा जा सका, इस बात को भी 6-8 महीने हो गए हैं और दाखिले दफ्तर भी शायद अब तक तो कर दिया होगा केस उन्होंने। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी बनिस्बत पहले जो कुछ होता रहा 4 साल उसके बनिस्बत बेहतर रहा, क्राइम का रेशो थोड़ा सा शायद कम हुआ हो, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है। क्योंकि एडी ख्वाजा साहब जब से आए हैं वो कहते हैं ये इख्तियारात और जो ये बदतरफी का जो मामला साथ साथ चलता रहा, तो जाहिर है जब तलवार लटकती रहेगी तो शायद वो भी खुलकर काम नहीं कर सके और जिस तरह काम वो करना चाहते थे वो नहीं किया गया। लेकिन कुछ इकदाम बहुत अच्छे थे, ख़ासतौर पर जो नए लोग भर्ती किए गए उस हवाले से एडी ख्वाजा साहब का काबिल तारीफ़ बनती है बात। जिस तरह भर्तियाँ हुई मेरिट को मद्देनज़र रखा उन्होंने, से पहले कहा जाता कि सियासी भर्तियाँ बहुत ज़्यादा हुई हैं पुलिस में जो बिगाड़ का सबब बना है, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसे भी हैं ब्लैक शीफ जिन्हें कहा जाता है, काली भेड़ें मौजूद हैं पुलिस में जिनकी वजह से पुलिस का जो महकमा है वो बदनाम हुआ है, ऐसे लोगों से भी छुटकारा होना चाहिए। लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं होती, बहुत सारे वाक़ियात हैं जिन पर बात हो सकती है कि जो बदनामी का बायस बनी पुलिस महकमे पर, इस पर हम बात कर सकते हैं। बात यह भी हो सकती है कि 2017 की बनिस्बत 2018 किस तरह बेहतर रहेगा, कौन से ऐसे इनकलाबी इकदाम हमें नज़र आए हैं इन 17-18 दिनों में जनवरी के जो हमें लगे कि सिंध हुकूमत करना चाहती है। क्योंकि सिंध हुकूमत सिर्फ ये करना चाह रही है किसी भी तरीके से आईजी सिंध को हटा दिया जाए, और वो हटेंगे तो सब कुछ यहाँ दूध और शहद की नहरें बहाना शुरू हो जाएंगी और यहाँ क्राइम बिल्कुल नहीं होगा, शायद पहले भी नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं है। एडी ख्वाजा साहब से पहले भी क्राइम होता था लेकिन शायद इससे भी ज़्यादा होता था, क्योंकि अगर हम बात करें फैक्ट्स एंड फिगर की तो 2016 में जो वाक़ात हुए वो इससे भी ज़्यादा थे, लेकिन उस वक्त तो एडी ख्वाजा साहब नहीं थे क्योंकि मार्च 2016 में आए हैं ये और तकरीबन 1.5-2 साल बनते हैं इनके, इस पर भी बात तो हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि इकामात मिलने पर अहदा छोड़ने को मैं तैयार हूँ अगर वो चाहते हैं। और इसमें एक और बात जो बहुत अहम हुई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों पर एक्शन लिया और ये भी कहा कि ख़ासतौर पर VVIP मोमेंट जो होती है उस हवाले से उन्होंने कहा 2 मिनट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि जी सिर्फ 2 मिनट, अगर वो मजबूरी हो तो सिर्फ 2 मिनट सड़कों को बंद किया जाए, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन होता ये इसके बरखिलाफ़ है कि आधा घंटा और 1 घंटा पहले ही बंद कर दिया जाता है कि जब वज़ीर आला साहब यहाँ से गुजरेंगे या बादशाह सलामत ने गुजरना है यहाँ से, हालांकि और भी तरीक़ेकार हैं उसके, बहुत सारे लोगों ने तजवीज़ दी थी कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट बरारत हेलीकॉप्टर के ज़रिए उन्हें वज़ीर आला हाउस चले जाएँ या गवर्नर हाउस जाना है तो वहाँ चले जाएँ, लेकिन अगर सड़कों से जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है आवाम को यानी पब्लिक को। इस पर भी एक अच्छा फैसला सामने आया है कि अगर सड़कें बंद करना ही पड़ती हैं VIP लोगों के लिए तो 2 मिनट से ज़्यादा बंद ना की जाएं सड़कें। और जिस तरह VIP लोगों के लिए प्रोटोकॉल का इंतजाम किया गया है, आधे से ज़्यादा नफरी पुलिस की तो उनकी हिफाजत और उनके बच्चों की हिफाजत पर तैनात होती है, क्योंकि आम पब्लिक के जो बच्चे हैं उनके साथ जो वाक़ात पेश आ रहे हैं उसके बाद बहुत सारे सवाल निशान पैदा होते हैं कि आम पब्लिक का फिर इसमें क्या कसूर है, वो बेयार और मददगार हैं जिस तरह शादी कतल किए सबके सामने, इस तरह और बहुत सारे अब तो इस तरह केस हैं, जाली पुलिस मुकाबले आए दिन हो रहे हैं, ये भी आपके सामने किसी प्रोग्राम में तमाम वाक़ात सामने रखेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर
शख्सियत को दावत भी देंगे, उनसे इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मौलाना की बात।